नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ह्यूस्टन में 22 सितंबर को 50,000 लोगों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। पाक पीएम इमरान खान ने भारत को फिर दी परमाणु युद्ध की धमकी। का कश्मीर को लेकर आमने सामने है दो परमाणु ताकत वाले देश। इमरान खान ने फिर कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता का लापराग। का राष्ट्रपति ट्रंप हस्तक्षेप करें तो हो सकता है समाधान। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार का बड़ा बयान। का देश में रोजगार की नहीं, उत्तर भारतीयों में योग्यता की कमी। केंद्रीय मंत्री गंगवार के बयान पर प्रियंका गांधी ने बोला हमला। 5 सालों में पैदा नहीं हुई नौकरियां, जो थी उसे आर्थिक मंदी ने छीना। संतोष गंगवार के बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बोला हमला। का तरह तरह के बयान देकर जनता का मजाक उड़ा रहे मोदी के मंत्री। पकड़े गए 3 आतंकियों से पूछताछ में बड़े खुलासे के मिले संकेत। 40 से 50 आतंकी हीरानगर के जरिए कश्मीर तक पहुंचे। कश्मीर से दिल्ली तक बिछे जैसे मोहम्मद के आतंकियों के तार। खुलासे के बाद ओवरग्राउंड वर्करों को जल्द दबोच सकती है पुलिस। बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। का अपनी भाषा बदल लो, नहीं तो पी चिदम्बरम जैसा होगा अस्त्र। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की हरकतों पर जताई चिंता। का 9 महीने में 2050 से अधिक बार किया युद्ध विराम का उल्लंघन। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। भारतीय नागरिकों और सीमा चौकियों को लगातार बना रहा निशाना। अमित शाह के हिंदी वाले बयान पर बिफरे केरल के मुख्यमंत्री। पिनराई विजयन बोले ये भाषा के नाम पर नया युद्ध क्षेत्र। गुजरात के सरदार सरोवर बांध के जल्द ही पूरी तरह से भरने की उम्मीद। 17 सितंबर को खुद घटना के गवाह बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश भर में राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे कार्यकर्ता। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी ने 1984 में किया था गठन। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के बचाव में स्वामी ओम। कहा मालिश कराना अपराध नहीं है, छात्रा के आरोप गलत। जावडेकर ने जल संरक्षण पहल के तहत जलदूत को किया रवाना। 2 महीनों में महाराष्ट्र के 8 जिलों का दौरा करेगी चलती वृद्धि प्रदर्शनी। नई रेलवे लाइन से तटीय क्षेत्रों से जुड़ा कृष्णपत्तनम बंदरगाह। 5 घंटे कम हुई 112 किलोमीटर की दूरी। उद्योग जगत ने आर्थिक राहत पर सरकार की घोषणा का किया स्वागत। विशेषज्ञों ने जताई संभावना, भविष्य में अर्थव्यवस्था को देगा अच्छा सहारा। यात्री वाहन में मारुति सुजुकी की अप्रैल अगस्त में घटी हिस्सेदारी। हुंडई और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में दर्ज की गई बढ़ोतरी। बालाकोट हवाई हमले की थीम पर कोलकाता में बनेगा दुर्गा पूजा पंडाल। मध्य कोलकाता की यंग बॉयज क्लब ने की घोषणा। लोकसभा पैनल की चेतावनी के बाद भी 82 पूर्व सांसदों ने नहीं खाली किए बंगले। सरकार इन पूर्व सांसदों पर कार्रवाई करने पर कर रही है विचार। यूपी के डिप्टी सीएम ने देश की अर्थव्यवस्था पर दिया बयान। बोले देश में आर्थिक मंदी नहीं बल्कि सुस्ती है, सरकार के ताजा कदमों से अब आएगी चुस्ती। दिल्ली सरकार ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान में लाई तेजी। केजरीवाल बोले लोग अपने आसपास मच्छरों को पनपने से रोकें। पाबंदियों के 42वें दिन श्रीनगर में खुला साप्ताहिक बाजार। घाटी में दुकानें और सार्वजनिक यातायात अब भी बंद। उत्तराखंड में डेंगू को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को समस्या से निपटने में बताया अक्षम। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाजनादेश यात्रा में किया दावा। बोले भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल करने के लिए तैयार। गंगा नदी में प्रदूषणकारी तत्वों और मानवीय स्वास्थ्य का करेगी अध्ययन। सूक्ष्म जीवाणुओं की होगी GIS मैपिंग। NCR के दूरदराज इलाकों का विकास करने के लिए सरकार की योजना। टिकाऊ विकास के लिए विशेषज्ञों की समिति करेगी अध्ययन। यूपी में हर जिले को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी। पर्यावरण प्रेमी पर्यटकों की पहली पसंद बनने का सरकार ने रखा लक्ष्य। बच्चों में बौनापन मापने के मानदंडों की समीक्षा कर रही है सरकार। पोषण की कमी, बार बार संक्रमण होने से पैदा होती है समस्या। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने पर विचार। निजी स्कूलों से मिल रही चुनौती का सामना करने के लिए बनाया प्लान। ओडिशा के 9 केंद्रीय विद्यालयों की 184 कक्षाओं का हुआ डिजिटलीकरण। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्मार्ट कक्षाओं का किया उद्घाटन। बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बड़ा गंगा यमुना और घाघरा का जल स्तर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मंडराया बाढ़ का खतरा। असम और पूर्वोत्तर में अनुच्छेद 371 पर भाजपा को घेरेगी कांग्रेस। राज्यों को विशेष अधिकार देने वाले कानूनों के पक्ष में जनता को करेगी लामबंद। उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने इंजीनियर्स दिवस पर इंजीनियरों को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने परिश्रम और दृढ़ संकल्प का बताया पर्यायवाची। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर सरकार पर बोला हमला। का बेरोजगारी के मामले में देश का टॉप प्रदेश बना हरियाणा। छह कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 50,580 करोड़ रुपए की वृद्धि। SBI ICICI बैंक को मिला सर्वाधिक लाभ। पाक पीएम इमरान खान कराची में लागू करना चाह रहे हैं अनुच्छेद 149।
केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का विरोधी दलों ने शुरू किया विरोध। आने वाले 100 सालों में धरती से टकरा सकते हैं 900 क्षुद्र ग्रह, नासा ने जताया आशंका, सूरज की ओर भी बड़ा खतरा। बिहार में पांव जमाने की तैयारी में अजुद्दीन ओवैसी, सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। भारत में महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, सऊदी के 2 तेल संयंत्र पर हमले से उत्पादन हुआ ठप। कश्मीर के तनाव के बीच पाकिस्तान ने तुर्कमेनिस्तान को दिया आश्वासन, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना पर भारत के साथ खराब रिश्ते का नहीं पड़ेगा असर। सरकार व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले संदेशों के स्रोत मांगने पर अड़ी, व्हाट्सएप ने दिया वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव। मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर शरद पवार ने सरकार को घेरा, बोले पहले इस तरह की घटनाएं सुनने में नहीं आती थी, अब अक्सर हो रही है घटनाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर में ऑटो चालक को सीट बेल्ट ना बांधना पड़ा महंगा, ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया 1000 रुपए का चालान। रामपुर के पीलीभीत के गेस्ट हाउस पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव, अखिलेश का स्वागत करने के लिए पहुंचे सपा कार्यकर्ता। द ग्रेट गंगा रन मैराथन का पूरे उमंग और उत्साह के साथ हुआ समापन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में हुए शामिल। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा ने मंदी पर मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोली उद्योगों के चौपट पर आर्थिक लाभ देने का दे रहे हैं लॉलीपॉप। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत के साथ आगाज करना चाहेगी टीम इंडिया, धर्मशाला में आज खेला जाएगा T20 सीरीज का पहला मुकाबला। टीम इंडिया की जर्सी से चाइनीज कंपनी ओप्पो की हुई छुट्टी, हिंदुस्तानी कंपनी बायजू की जर्सी में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।